लॉकडाउन को लेकर अब भी सियासत जो अलग रंग में रंगती नजर आने लगी है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब तक इन्होंने किसी तरह के कोई विशेषज्ञों की टीम गठित नहीं की है, केंद्र सरकार तक विशेषज्ञों की टीम गठित करती है और उसके सुझाव पर ही कोई फैसला लिया जाता है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता, इसलिए गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाता है। मैं पहले दिन से कहता हूं कि सरकार कोई विशेषज्ञ नहीं होती, विशेषज्ञों की टीम बनाना चाहिए। विशेषज्ञों की टीम बनाकर उनके सुझावों के आधार पर और निर्णय करना चाहिए। प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ में ना मुख्यमंत्री बात करते हैं ना स्वास्थ्य मंत्री बात करते हैं। जब संकट सर पर आता है तो कलेक्टरों को डाल देते हैं। सारे अनुभवों के बाद यही विचार अभी बलवती है कि लॉकडाउन एक कोरोना का हल नहीं है, इसको खत्म करने का। दूसरा, परेशानियां ज्यादा पैदा कर सकता है, फायदे कम। और तीसरा कि जब तक ऐसी गंभीर स्थिति ना आ जाए कि कोरोना के संक्रमण की गति को ऊपर चढ़ने से, फैलने से हम रोक नहीं पा रहे हैं, तब तक लॉकडाउन से बचना चाहिए। मैं पहले भी खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, लॉकडाउन पर अब सियासत यहां पर नजर आने लगी, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे कोरोना संक्रमण को लेकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है काफ़ी चिंताजनक स्थिति बन चुकी है और ऐसे में सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां भी निकल कर सामने आ रही। सोच समझ कर, विचार विमर्श कर एक अलग रणनीति के तहत लॉकडाउन को लेकर फैसला लेने की बात यहां पर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, तो क्या कुछ फिलहाल स्थिति अभी देखने को मिल रही है? जब बिल्कुल अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, लगातार कोरोना के जो भयावह आंकड़े वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जैसे कि हमने एक दिखाया था अपनी ही खबर पर कि स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं ही एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये आंकड़े थमते नहीं है तो निश्चित ही सरकार को लॉकडाउन को लेकर विचार करना चाहिए। लेकिन अगर हम सवाल भाजपा की बात करें तो भाजपा तरह तरह के सवाल लगाते हैं आज की तिथि पे नजर आती है और साफ तौर पर उनका कहना है कि केंद्र द्वारा भी एक विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है और उस टीम के अनुसार जो उनकी जिस तरह की गाइडलाइन रहती है और जैसा सुझाव वे देते हैं उस सुझाव को लेकर केंद्र बैठके लेते हैं, प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हैं और उसके बाद किसी निश्चय पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब तक कोरोना से निपटने किसी भी तरह से विशेषज्ञों की टीम यहाँ पर गठित नहीं की गई है, ना ही उनसे किसी तरह की कोई सलाह ली जाती है। यहाँ पर अगर संक्रमण बढ़ता है या स्थिति भयावह होती है तो सरकार सारा टीकरा यहाँ के कलेक्टरों पर और प्रशासन पर छोड़ देती है। मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो भाजपा का यानी कि पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने ही साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से केंद्र ने भी विशेषज्ञों की टीम गठित की है वैसा ही छत्तीसगढ़ सरकार को भी करना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप ही किसी तरह का कोई फैसला लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य तौर पर जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसे सरकार को दुरुस्त करना होगा और जहां तक कि लॉकडाउन की बात है तो अभी भी अगर हम बात करें तो लॉकडाउन को लेकर असमंजस लगातार बनी हुई है। हालांकि एक बड़ी बैठक सरकार की होने वाली है और देखने वाली बात होगी कि उस बैठक में सरकार लॉकडाउन का निर्णय लेती है या फिर गाइडलाइन को और भी ज्यादा सख्ती से पालन करने की ओर अग्रसर होती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हाल ही में जिस तरह से कलेक्टर द्वारा भी आदेशित किया गया है कि 9 बजे तक की केवल दुकानें बंद रहेंगी, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट होते हैं वो 10 बजे तक संचालित। बिल्कुल निधि, क्योंकि एक नई गाइडलाइन सामने आ गई है, इसको लेकर अब बाज़ार बंद करने की बात रात में कही जाने लगी है, नाइट कर्फ्यू जैसा माहौल यहां पर बनता दिखाई देगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से एक बात और निकलकर सामने आई वो यह रही कि सख्ती से गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो। तो ऐसे में परिस्थितियाँ जिस तरह से बनती दिखाई दे रही हैं तो क्या कुछ रुख जो है सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन के स्तर पर उचित कदम उठाने की बार बार बात सामने आ रही है? बयान दिया था और कहा था कि अगर संक्रमण ज्यादा बढ़ता है, आंकड़े ज्यादा बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री को लॉकडाउन को लेकर एक पत्र लिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें संक्रमण के कम
होने की, तो उनका उतना ही ये भी कहना है कि फिलहाल लॉकडाउन की अगर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सारे विशेषज्ञ और देश का भी यही मानना है कि लॉकडाउन करना कोरोना का हल नहीं है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दुर्ग और रायपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है और जो आंकड़े हैं वो 1700 से ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि जो मामला है वो गंभीर है और चिंताजनक है, तो इसे लेते हुए लॉकडाउन की ओर जरूर सोचा जा सकता है क्योंकि आंकड़े फिलहाल कंट्रोल में नहीं। जी चलिए, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया निधि।